सम्राट जी, हाय राम, ये तो कोई कपल है। हम भी बिल्कुल पगला गए हैं। चारों तरफ हमें सिर्फ सम्राट जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कहाँ से होंगे सम्राट जी? उर्मी, हाँ चलो, अब लेट नहीं हो रहा क्या? चलो चलो चल। क्या बात कर रही हो उर्मी, तुमने मॉर्निंग से एक ग्लास पानी भी नहीं पिया अपने सम्राट पिया के लिए? हाँ, सम्राट जी के अच्छे के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना हमें अच्छा लगता है। उनकी सलामती, लंबी आयु और जन्म जन्म साथ के लिए तो हम ये व्रत कर रहे हैं। और वैसे भी जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा कष्ट उठाने से प्यार और बढ़ता है, समझी मैडम? हाय मैं मरजावा, अब तो तुम्हारे सम्राट जी से जल्दी मिलना पड़ेगा, जिनके ऊपर तुम इतना सारा प्यार लुटाए जा रही हो। हाँ, फिलहाल के लिए जल्दी चलो, जोर से बारिश होने वाली है। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे पति देव कब आएंगे भाई? टाइम लगेगा उन्हें। आई होप सो जल्दी आ जाए। ड्राइवर जी, गाड़ी निकालिए, आओ तुम यहाँ से बैठो। हाँ हाँ, बहुत लेट हो गए। ओहो, क्या हुआ? ये लहंगा इतना भारी है ना। ओके। चलो अब जल्दी। क्या हुआ उर्मी? उर्मी क्या हुआ? नताशा, हमें बहुत जरूरी काम याद आ गया, हम बस तुरंत काम खत्म करके वापस आते हैं। तुम मंदिर पहुंचो, हम बस पीछे पीछे पहुंच रहे हैं। ड्राइवर जी, आप तुरंत नताशा मैडम को लेके घर के पास वाला जो शिव मंदिर है ना, उसमें पहुंचिए, हम बस पीछे पीछे आते हैं। चलो एक मिनट, तुम ऐसा करो, तुम अपना काम खत्म कर लो, हम वेट कर लेते हैं। नहीं नहीं नताशा, सब मंदिर में वेट कर रहे होंगे ना हमारा, तो तुम पहुंचो और हम बस पीछे पहुंचते हैं। चलो चाहिए ड्राइवर जी, जल्दी गाड़ी निकाल। Yes, ma'am. सम्राट सिंह राठौर। सम्राट सिंह राठौर। तो आपको भी सम्राट सिंह राठौर के रूम में जाना है। जाइए जाइए, रूम नंबर 208 है उनका। नताशा को होटल से लेकर आना था, आप प्लीज उसे लेते हुए आएंगे? मैं नहीं, मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, और मीटिंग इम्पोर्टेंट है। आप जानती हैं मैं अपना सारा काम बीच में छोड़ के आया हूँ आपकी इस रस्म के लिए।
What do you want? कौन है भाई? Who's there? 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 I don't know. Excuse me. Where are you going? अरे क्या कर रही है यार, भगाइयो से तुम। जल्दी कीजिए पूजा और हवन की तैयारी, मुहूर्त निकला जा रहा है। जे और मी बहू पता नहीं कहाँ रह गई है। ए, कम से कम आज के दिन तो समय पे आना चाहिए था। नताशा बेटा, उर्मी ने कहा कहा तुमसे, कहाँ रह गई है वो? आंटी, उर्मी ने कहा कि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया है और वो बाद में आएगी, लेकिन आप टेंशन मत लो आंटी, वो आ जाएगी। रह गई है वो? अम्मा, हमको तो बहुत चिंता हो रही है, एकदम से मन घबराने लगा है। अरे इतना खास मौका और उर्मी भगत पर ना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कछु हो तो नहीं क्या अम्मा? चिंता ना करो बहू, आ जाएगी। आंसुओं की आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आज का डेट इन आंसुओं का एक्सपायरी डेट है। अब मैं इन आंसुओं को आपके चेहरे पे कभी नहीं आने दूंगा। और दुख, उसे तो आपके आसपास मंडराने भी नहीं दूंगा। ये वादा है सम्राट सिंह राठौड़ का। और आपकी नाराजगी मुझसे नहीं देखी जाती है भैया, जानती है इस बात को। उर्मी, आई लव यू, आई लव यू। आप जाइए होटल ब्लू पेरीडॉट में और पता कीजिए, आपके पति परमेश्वर के नाम पर वहां पर एक रूम हमेशा बुक रहता है और वहीं रंग रलिया मनाते हैं वो।
आपकी आंखों में धूल झोंक कर वही उनकी माँ है जहाँ वो अपना शिकार लेकर जाते हैं। न जाने कितनी लड़कियों को वहां पर लेकर जा चुके हैं आपके पति परमेश्वर। कोई भी अगर आदमी आके कुछ भी कह देगा, आपके कान में कुछ भी भर देगा, आप मान जाएंगी? आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना। ये कार्ड आपके पॉकेट से मिला? अरे तो मेरी पॉकेट से मिला तो क्या मतलब, मैं ऐसा घटिया काम करता हूँ क्या? क्या सोच के रही हैं आप? कहाँ छोड़ के चले गए थे हमें रात भर? हमने कितने प्लान्स बनाए थे आपके लिए, कितनी सरप्राइजेस देना चाहते थे, एक फोन करना जरूरी नहीं समझा आपने अभी? फोन अलाउ नहीं करते वहाँ पे कैसीनो में, जानती हैं आप? और मैंने कहा था ना मैं ऑफिस में रहूंगा, आज मीटिंग है मेरी, वहीं अटकाऊंगा बस। साहब तो कब के निकल चुके हैं मैडम? आपकी इस तीज को आपकी जिंदगी की सबसे यादगार तीज बना दूंगा, कहा था ना मैंने आपसे, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं इसमें। अंधेरा कहाँ छाया है? मैं अभी लाइट ऑन करता हूँ। पापा संभाल के। है ऐसे चुप काहे बैठी हो तुम? मम्मा क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुस्तफा पापा मंदिर में वेट कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई? वो सब बहुत खुश थे, बताओ ना मम्मा आप क्यों नहीं आई? अब वो बोलती कहाँ नहीं हो, अच्छा क्या हालत बना रखी है? हाँ बोलती कहाँ नहीं हो, मुंह में दही जमा ली है का? हाँ बताओ, इतनी जरूरी पूजा छोड़ के यहाँ बैठी है? अब वहां सारी सुहागने पहुंच गई थी सिवाय तुम्हारे। भाभी एक मिनट अगटी, कुछ तो गड़बड़ है माँ जी। उर्मी चाची, क्या हुआ चाची? मंदिरा बेटा शौर्य को ऊपर लेके जाओ, जाओ ऊपर। चलो शौर्य। अरे कुछ तो बोलो बहू, हमारा जी घबरा रहा है। अरे कुछ बोलती काहे नहीं हो, काहे बैठी हो यहाँ, मंदिर क्यों नहीं आई तुम? बताती काहे नहीं हो? अरे पूछिए पूछिए मैडम जी से, पूछिए मैडम जी से। भाई जब सारी औरतें मन लगाकर तीज की पूजा कर रही थी, कहाँ थी ये पूछिए। अरे कोई भी औरत किसी भी हालत में तीज की पूजा नहीं छोड़ती है, लेकिन ये पता नहीं सब पूजा छोड़ छाड़ के कहाँ घूम रही थी पता नहीं। जो
काम है उनका, जो धर्म है उनका, उसे मुंह मोड़कर बताइए। हाँ सही बात है बेटा, सवेरे से तो इतने तमाशे रच रही थी, ऐसे ढोंग रचा रही थी, अब अचानक से ऐसा कहा हो गया कि सब कुछ उल्टा हो गया कि मंदिर ही नहीं पहुंची पूजा के लाने, बताओ। अरे ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूं आपको भाई, क्यों नहीं आई पूजा में, मैं बताता हूं। मैडम जी कहीं और ही थी, होटल डायमंड प्रेसिडेंसी की विजिट पे थी मैडम। और बात क्या कर रही थी पूछिए जरा, क्या चल रहा था होटल में, क्या कर रही थी वहां पर? 30 के दिन एक औरत के घर पे पूजा पाठ चल रहा है, ये होटल में क्या कर रही थी पूजा पाठ छोड़कर? भाभी आप तो वहां अपनी फ्रेंड नताशा को लेने गई थी ना? हाँ, और वो तो मंदिर भी पहुंच गई थी। फिर वही तो मैं कह रहा हूं, पूछे ना फिर, जब अपनी फ्रेंड को लेने गई तो फ्रेंड को लेके क्यों नहीं पहुंची? फिर फ्रेंड आ गई वहां पर मंदिर में, ये क्यों नहीं आई, ये होटल में क्यों रह गई? न जाने कौन सी गंदी भाइया सोच लेकर ये रुक गई होटल में। अरे दोनों साफ साफ बताओगे कि बात का है, ढोंग कर रही थी ये, तीज के व्रत का ढोंग। सुबह से ये बात है, नाटक ड्रामा ढोंग छल। अरे तीज प्यारा सा त्यौहार होता है, पत्नियां अपने पति के लिए अपने पति की लंबी आयु के व्रत रखती हैं, ये इनके दिमाग में पता नहीं कुछ उल्टा ही चल रहा था, कुछ अलग ही सोच रही थी। अब बेटा ठीक से बताओ, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है कि ये उस होटल में किसी अब किसी किसी गैर मर्द से मिलने गई थी होटल में। जी हाँ सुना सबने, गैर मर से ढोंग करती है ये भाई, ढोंग पतिव्रता होने का ढोंग, समझिए आप लोग। जब सारी औरतें तीज की पूजा कर रही थी, ये आप सबको धोखा देकर, मुझे धोखा देकर वहां अय्याशी कर रही थी। गुस्सा रह रही थी किसी और लड़के के साथ उस होटल में, औरत के नाम पे कलंक है ये भाई, कलंक। पता नहीं मैंने क्या कर्म फूटे हैं, मेरे कैसी किस्मत है, मेरी ऐसी बीवी मिल गई है मुझे, क्या करूं मैं, क्या गंदे कर्म किए मैंने। न जाने कितने सालों से मैं इनके इनकी बेवफाई का शिकार हो रहा, मुझे पता नहीं मां। और ये पति व्रता पति बन के बैठी है सबकी नजरों में। पापा सोच भी नहीं सकता हूं यार, ये इतना गिर सकती है याशी में, इतना गिर सकती है। हाय इनका छोटा बच्चा है भाई, जरा सोचिए, इन्होंने इतना नहीं सोचा, छोटा सा बच्चा है इनका, इतना ख्याल लिया इन्हें। क्या बताऊं मैं इनके बारे में आपको,